नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो मैं उस दुख का रसर, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में कम से कम 10 बार तो WWE देखी होगी। उधर यार क्या होता है, रोले और वो भी प्योर स्क्रिप्टेड, सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर आज इसका जिक्र करेंगे उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे कि जैसे किसी ने WWE से 2 GB रैम निकाल दियो। कुछ भी दिखाया जा सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गौत के उर्फ खान बाबा उर्फ डेडलीस्ट एनिमल ऑफ पाकिस्तान के बारे में। अब इस बंदे को मैंने डेडली क्यों बोला है, क्योंकि ये बंदा इतना डेडली है कि खुद से 500 किलोग्राम का वाले बंदे की ना गांड मार के खुद को रेसलर बोलते हैं। पैसे का खेल खान बाबा, ये एक ऐसा बंदा है जो की खुद से कमजोर वाले बंदे बना हाथ उठाकर अपने आप को बदमाना समझता है। जी हाँ, खान बाबा जो की हर किसी बंदे को ना चैलेंज देकर गायब हो जाते हैं। मगर हमारी वाम तो लड़ने बैंचो नहीं यार, इस मामले में ना हमारी वाम लड़ नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ना मेरे समेत इसको एज अ फनी कैरेक्टर देखते हैं। काफी लाडली आवाम है यार हमारी। तुम लोग के गांड से लाड निकालेंगे अभी, तो फिर शुरू करते हैं। चलो भाई, चलो भाई। यहाँ नहीं, पेशावर में मैं और तुम दुनिया का सबसे बड़ा मैच घर की चार दीवारी में बैठ कर खाम खा शोर मचाया हुआ। लड़ना बढ़ना है नहीं इन लोगों ने, बस जो देहात की औरतें होती है ना उनकी तरह इन लोगों ने शोर मचाना है। और इधर साथ चूजे ऊंचे खड़े में क्या यार, कैसे लोग हैं, क्या हो रही है। अरे कल दूसरा अगर पेशावर में मैच है ना तो भाई बंदा डेट ही बता देता है, लेकिन नहीं, नहीं। क्या तुम पिलो फाइट करने जा रहे हो, कुछ भी। और यार इस बंदे की एड्रेस पर ना खान बाबा के एक्सप्रेशन जरा चेक करो, पता नहीं यार क्या सोच रहा होगा। मजे की बात हुई है कि इतने सांड लोगों के दरमियान ना एक मुर्गी के अंडे से निकले हुए चूजे लोग खड़े होते हैं ना, जिनको हल्का सा हुश भी कर देना तो इनकी रूहें परवास कर देंगी। तेरी मादा तुका कुसार। देख यार खान बाबा, तू बेशक एक बहुत नाइस बंदा है, लेकिन मेरी छोटी सी एडवाइस ले ले, अगर तू अपने आप को रेसलर मानता ही है ना, जो कि तू नहीं है, होगा खैर, अगर तू अपने आप को रेसलर मान ही लेता ना, तो एटलीस्ट अपने साथ कोई बॉडी बिल्डर लोग रख। ऐसे कोई चूचे वूचे लोग ना था कि जिनकी टट्टी का साइज भी ना तोते की बिल्ड से कम होगी। मगर तू अकेला भी रहता है ना तो तेरे को कोई रेसलर मानता नहीं है, तेरे को ना सिर्फ गांव तक क्या मानते हैं बस। एक और मजे की बात मैं ऐड कर दूं, जिधर मेरी रिहाइश है ना, मतलब मेरा घर जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसी के थोड़ा दूर ना तकरीबन की 5 मिनट की दूरी पर इस बंदे का घर आता है। और ट्रस्ट मी यार, मेरी हाइट तकरीबन 6 फुट है और ये बंदा मेरे से भी डबल है। उसके बाद इस बंदे की आवाज में जो लोग कहते हैं कि फेक है यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इसकी रियल लाइफ में आवाज सुनी हुई है, प्योर नेचुरल है। हाँ हाँ भाई पता है, मैंने किताब लिख ली है इस बंदे पर, और मेरे को अच्छी तरह पता है कि तुम ऐसे किसी के लड़ने पर ठंड भी नहीं पड़नी कि मैंने इतना लंबा लेक्चर क्यों दिया। मेरे को क्या, मेरे को तो अपना वॉच टाइम पूरा करना था। उम्मीद है ये ट्रेलर तुम्हें पहुंच चुका होगा। बंदा उस्मान के ऊपर ना इस खान बाबा को छोड़कर ना भूल जाएगा उसने अपनी जिंदगी में ना कोई अच्छा काम भी किया है। अब मेरे को नहीं पता कि उस्मान है कौन, लेकिन यार तुम में से कोई भी उस्मान है ना तो खान बाबा के सामने मत आना, लेकिन अगर तुम अभी तक खान बाबा के सामने नहीं आए ना तो तुम लोग बहुत लकी हो, क्योंकि अगर तुम खान बाबा के सामने आते तो खान बाबा तुमको मार देते। अब एक और बात मेरे जिन में क्लिक किया है कि इस वाली वीडियो में खान बाबा के साथ कोई और बंदा क्यों नहीं है, क्योंकि खान बाबा ने ऑलरेडी इस स्क्रीन को मुकम्मल तौर पर कवर अप कर लिया है। अब किसी भी उस्मान नामी बंदे की ना इधर टूटी रखने की भी जगह नहीं है। यार मेरे को ना सोच के भी थोड़ी बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है कि यार अगर इस बंदे की जिसकी शादी होगी उस रात तो बहन जो लोहे का बिस्तर बनवाना पड़ेगा। बेचारा यार उस्मान, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और हाँ यार उस्मान, कुछ कहना है, तुम गांडू हो, तुम पांडी। सुनने में आया कुछ दिनों पहले खान बाबा ने हिंदुस्तानी भाव को भी अपने जुबान में रिप्लाई दी है, वो था के जरा मिलके देखते हैं। पाकिस्तान का एक खान बाबा करके भड़वा 200-250 किलो का रहेगा, भड़वा साला, खुदा कसम एक मुक्का अगर ये लग गया ना तो ये अंदर चला जाएगा। अब तुम्हारे जहन में भी ये वाली सोच आ रही होगी कि भाई मैं इन दोनों के दरमियान में क्या कर रहा हूँ, तो यार सुनो, इन दोनों की मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे टेडी बियर और स्टिक मैन। एक बंदा पाकिस्तान से बैठकर अंदर बाहर करने की धमकी दे रहा है और दूसरा बंदा इंडिया से बैठकर अपने साइज से 10 गुना बड़े बंदे से ना पंगा कर रहा है। क्या अबे चूतिए, अगर उस बंदे ने वाकई तेरे को कुछ सुन मार दिया ना तो तेरा इंस्टा और यूट्यूब तो उड़ा ही उड़ा था ना, लेकिन वो कुछ सुन खाने के बाद तू ने भी इस दुनिया से उड़ जाना है। अबे लौड़े अपना काम कर, तू बोसड़ी के हर जगह ना अपनी बुन लेकर आ जाता है। बहन चोद, एक तूने वो मैगल पे बात कर दी है, लोगों ने उठाकर तेरे को मीम बना दिया है। हिंदुस्तानी बहू भी तो मीम है ना।
क्या भाई मगरमच्छ के चौदह म्यूजिक का मजा ले रहे थे क्या? लंड ले ले मेरा। इस हवाई पगे ने अपनी जिसामत के मुताबिक बहुत छोटी चीज को खींचा है और साथ देखो बैंड कोरस एक ही बंदे ने छह छह माइक पकड़ के खड़े हुए हैं। क्या यार तुम लोगों ने मंगल बाजार से 5,500 वाले स्टिकर पकड़ के एक 150 वाला माइक पकड़ के खान बाबा के मुंह में तुन रहे हो सारे? ओ भाई चिल करो यार। खैर यार आज के लिए इतना ही। तो भाई लोग देखो मैं सोचता हूं और बात नहीं करूंगा इस टॉपिक पर क्योंकि यार क्या पता कल को ना मेरे को भी चैलेंज आ जाए इस डेडलीस्ट एनिमल की तरफ से। वीडियो खत्म करने से पहले अगर तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लो, लिंक है ना बायो। तो क्या यही पर निकलता करो, वीडियो पसंद को लाइक मारो, कमेंट मारो, शेयर मारो और सब्सक्राइब मारो, लेकिन बेल लगे को दबाना मत भूलना ताकि नई आने वाली चीजें तुम लोगों को मिल सके। मिलते हैं हम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए छिक के रखो।